एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर हम इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो हम बहुत सारे काम अपने इजिली कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर होम मेकर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग हो। ठीक है, कोई भी हो, उन सबके लिए टाइम मैनेजमेंट अगर आप अडॉप्ट कर लो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। आपके जो सारे टास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं बिना आलस करे आपके। जैसे आप कल के ऊपर छोड़ देते हैं ना, यार कोई काम है तो कल कर लेंगे, ऐसा ये वाली सिचुएशन में नहीं होता है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेते हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छी आदत है, अगर आप इसे अडॉप्ट कर लो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको खुद देखने को मिलेंगे। आप खुद मुझे बोलोगे कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट से सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। देर क्या है, बस आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को आता है टाइम मैनेजमेंट तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज अपना जो टाइम है वो मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी से आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, सपोज अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, वो आप वहां पर आपको बोला जाता है कि रोज पर डे आपको 86,400 रुपीज क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके बैंक में। तो और आपको ये भी बोला जाएगा कि वो पूरे 24 आवर्स के लिए होंगे। रात को 12 बजे आपको वो सारा जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा उसमें से। तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपको एक दिन के लिए 86,400 रुपीज मिल जाए, आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कि उसमें से एक एक रुपया अपना जो उसको यूटिलाइज कर लो, किसी अच्छे काम के लिए यूज कर लो, अपने पसंद की चीजें ले लो, जो भी है। आप मतलब एक रुपया भी वेस्ट करना नहीं चाहते हो, है ना? तो सेम एज इट इज यहाँ पर टाइम के लिए भी होता है। सपोज वो जो मैंने आपको अमाउंट बताया था ना, 86,400 रुपीज, वो जो अमाउंट है ना वो है पर डे के सेकेंड्स। हमें पर डे यानी कि 24 घंटे में हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं। हमें इस सेकेंड्स को अपने हिसाब से यूज करना है, क्योंकि हमारे पास हमारे एक पर्सनल बैंक है जिसे हम टाइम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप पैसों की तरह यूज करोगे ना, अमाउंट की तरह यूज कर रहे थे, इसी तरह से आपको यहाँ पर इन सेकेंड्स को भी यूज करना है अपने अच्छे कामों में, अपने बेनिफिट वाले कामों के लिए, ना कि आपको वेस्ट कर देना है। मुझे अगर 86,400 रुपीस पर डे मिल जाए, यार ऐसी ऐसा फिर तो, है ना? हम कोशिश करेंगे एक भी पैसा ऐसा ना जाए और हम उसको सारे के सारे यूज कर लें। नेक्स्ट डे दोबारा से आपके अकाउंट में ये वाला अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप कोशिश करोगे ना कि सारे पैसे यूटिलाइज कर लो। इसी तरह से हमें अपने टाइम को भी मैनेज करना है। एक दिन के अंदर हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं, तो इतने सेकंड्स को हम कोशिश करेंगे हमारा एक भी सेकंड जो है ना वो वेस्ट ना जाए, किसी ना किसी यूजफुल प्रोडक्टिव जाए, सक्सेसफुल जाए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट है एक आर्ट, ठीक है, जो कि आपको आनी चाहिए, ये मस्ट है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये मस्ट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो ना, ये इसके बेनिफिट्स है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपको कोई भी काम डिले में नहीं जाता है, सारे आपके काम ना ऑन द टाइम होते हैं, हर काम एक मैनेजेबल ढंग से होता है। और दूसरी बात, जो एग्जाम्स देते हैं, जो स्टूडेंट्स है जो स्टडी करते हैं, उनके लिए जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट है ना वो सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, चाहे वो एक होम मेकर हो, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी हो, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये होता कैसे, हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो डेली रूटीन होता है आप उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे ब्रेकफास्ट लेते हो, कितने बजे एक्सरसाइज करते हो, कोई भी आपके जितने भी टास्क है ना पूरे दिन का, आप उसको वैसे लिख लीजिए। टाइमिंग नहीं लिखनी है, बस एज जर्नली लिख लीजिए कि हम क्या क्या करते हैं।
उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट होता है ना, वो ये होता है आप एक डायरी ऐसी मेंटेन कीजिए जिसको आपको सुबह के सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स देने हैं। ठीक है, सपोज मैं आज उठी हूँ, चाय वाय सपोज अगर आप ले रहे हो तो चाय के साथ मैं 2-3 मिनट उस डायरी को दूंगी जिसमें मैं लिखूंगी कि आज मेरे दिन के कौन कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, कौन से टास्क हैं, कौन कौन सी जरूरी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आज के दिन में करनी है। ठीक है, तो मैं वो सब उस पॉइंट्स में लिख लूंगी, मैं 4 to 5 पॉइंट्स ऐसे लिखूंगी जो पूरे दिन में मुझे जरूर जरूर करने हैं, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सके तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से भी लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, इस तरह से आप अपने टास्क को लिख सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप जो कीवर्ड्स है ना सुबह के टाइम पे अपने पूरे दिन के लिए आपको किस तरह से लिखने हैं। सपोज अगर आप एक होम मेकर हो तो आप किस तरह लिखोगे, सपोज आपको फूड प्रिपेयर करना है, ठीक है, या फिर आपको मार्केट जाना है, ठीक है, तो आपको एरो दे देकर ऐसे 4-5 पॉइंट्स लिख लेने हैं जो कि आप उस दिन में करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर डे में करना चाहते हो। ठीक है, सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको किस तरह से करना है, आपको लिखना है कि मेकिंग नोट्स। अगर आपको किसी भी चीज के नोट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बनाने हैं तो आप उसको कीवर्ड्स में लिख सकते हो कि आज के लिए मेरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है ना वो क्या है। इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स आपको क्लियर करने हैं तो आप लिख सकते हो, मुझे ये वाला चैप्टर दिस सब्जेक्ट का मुझे आज क्लियर करना है, इस तरह से ये वाला पार्ट, ये वाला चैप्टर, ये पर्टिकुलर नोट्स मुझे पढ़ने हैं एक दिन में, तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर होता है बिजनेसमैन के लिए, जितनी भी उनकी मीटिंग्स है वो आप आज के लिए लिख सकते हो, कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो पर डे के हिसाब से। एक और बात, अगर आपको जैसे सपोज आपको लगता है ये वाला काम करना है, अगर आपको सुबह उस चीज को आप लिख लोगे ना तो पूरे दिन आपके दिमाग में चीज रहेगी कि आपको ये वाला काम करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपका काम डिले भी नहीं होता है और आप टाइम पर अपने सारे काम कर लेते हो बिना आलस करे। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर टाइम मैनेजमेंट इज स्लॉट मेकिंग। आपको स्लॉट्स बनाने हैं, स्लॉट्स मतलब आपको टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है कि आप कौन सा काम कब करना पसंद करते हो। ठीक है, सपोज टाइम स्लॉट्स का क्या मतलब है, आप सपोज 6 AM पर आप उठते हो, ठीक है, 6 to 7 आप क्या करते हो, 7 to 8 आप क्या करते हो, 8 to 9 आप क्या कर सकते हो, आप गैप अपने हिसाब से दे सकते हो, मे बी इट 8 to 10 भी हो सकता है। ठीक है, आप इसमें जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, स्लीपिंग करते हो, ईटिंग करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, डिनर लेते हो, ये सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अपना स्लॉट्स बनाना है सुबह से लेकर रात तक का और उसको फिल करना है एक्टिविटीज से। ठीक है, दिन में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आधे से एक घंटा आपको जरूर एंटरटेनमेंट टाइम जरूर देना है, जिसमें आप म्यूजिक सुन सको या टीवी देख सको, ऐसी चीजें कर सको जो आपके दिमाग को रिलैक्स कर सके, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस गोइंग हो या फिर आप बिजनेसमैन हो या होम मेकर हो, कोई भी हो, एंटरटेनमेंट आपके दिमाग को रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आधा ये एक घंटे का स्लॉट ऐसा होना चाहिए आपके पूरे दिन में जो आपको रिलैक्स कर दे। ठीक है, अगर आप दोपहर में या फिर सोना पसंद करते हो कभी भी रेस्ट लेने के लिए, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में अपना ऐड कर सकते हो। स्लॉट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो, सपोज मैंने 6 बजे से स्टार्ट करा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सपोज अगर आप 8 बजे उठते हो सुबह, तो ये वाला स्लॉट आपका 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, टाइम स्लॉट्स को किस तरह से फिल करना है, वो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, वो भी एक स्टूडेंट का जो टाइम टेबल है वो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर सकते हो, इन स्लॉट्स को भर सकते हो। ठीक है, ये 6 to 7 यानी कि सुबह के 6 से 7 बजे तक आप वेकअप हो रहे हो और फ्रेश हो रहे हो, 7 to 8 आपको एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर बात ले रहे हो, ठीक है,
8 to 9 आपको ब्रेकफास्ट लेना है। इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट अपना कर सकते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो ऑब्वियसली आपको जरूर बेनिफिट होगा, आपको एक आदत पड़ेगी, एक मैनेजेबल ढंग से आपको जीने की आदत पड़ेगी, अपने टास्क कंप्लीट करने की आदत पड़ेगी। उसके बाद सपोज आप एक स्टूडेंट हो तो 10 to 12 आप स्टडी के लिए दे दो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, होम मेकर है तो आप इसके अलावा कुछ भी कर सकते हो, स्लॉट्स को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये 10 से 11 भी हो सकता था, मैंने 12 कर दिया फॉर द एग्जांपल। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप इस तरह से अपना जो टाइम है उसको मैनेज कर सकते हो, अपना हर जो काम है उसको बिना डिले करे हुए एक उत्साह के साथ आप कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद 12 से 12:30 बजे तक आप रेस्ट ले सकते हो, 12:30 से 1 बजे तक आप लंच कर सकते हो, 1 to 3 अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी ऑब्वियसली आप करोगे ही, 3 to 4 स्लीप टाइम अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसको अपने तरफ से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। 4 to 5 आप रिलैक्स होके अपनी टी वगैरह ले सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, 5 to 7 आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, डिनर टाइम आपका होगा, उसके बाद स्लीप तक का जो टाइम है ना वो आपका पूरा कंप्लीट होगा, और रात को सोने से पहले आपको अपनी डायरी जो आपने सुबह लिखा था ना टी टाइम के टाइम की पॉइंट्स जो आपने लिखे थे कि पूरे दिन के लिए इम्पोर्टेंट टास्क आपके क्या क्या होंगे, आपने उसको 4 to 5 वर्ड्स में लिखा था, उसको आपको देखना है कि आपने कितने पॉइंट्स उसमें से पूरे करे हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपका हो सकता है, बहुत ही इजी है, अगर आपको आदत पड़ जाती है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है हर काम को करना, पंचुअलिटी आप में आती है, हर काम टाइम से आप कर सकते हो, और ऑब्वियसली आपकी जो फैमिली है ना वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे इस चीज से कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो ना तो जरूर जरूर से अपना जो टाइम है इसे मैनेज करना सीखिए, अपने अकॉर्डिंग उसको एक स्टिक होके मत रहिए, आप चेंज करते रहिए, आज के लिए आपका टाइम टेबल कुछ और होना चाहिए, कल के लिए कुछ और होना चाहिए, क्योंकि हर दिन अलग होता है, आप स्टिक होके एक टाइम टेबल पे नहीं रह सकते हो, ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, ठीक है, जो प्रैक्टिकल है वो है आप स्टिक होकर एक ही टाइम टेबल पे नहीं रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक दिन आपने 8 से 9 ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह तो अगले दिन भी आप इतने बजे करो, ऐसा नहीं हो सकता है, कई बार भूख होती है, कई बार आपका मन नहीं होता है, तो उस हिसाब से आप अपने जो टाइम टेबल को चेंज कर सकते। लास्ट में मैं आपको एक बात जरूर बोल के जाऊंगी कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेते हो ना, देखिए अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ऑब्वियसली ये एक एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाती। टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और मैं अपने अकॉर्डिंग कितना टाइम मैनेज कर लेती हूँ ना, जब मैं टाइम टेबल के हिसाब से चलती हूँ तो बहुत ज्यादा मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है, जब मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता है तो कुछ भी कभी भी होता है और टाइम ठीक से मैनेज नहीं हो पाता है, मेरे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते। डेली टारगेट्स बनाइए कि आज आपको 4 to 5 टारगेट्स करने हैं, क्या क्या करना है वो आपके काम पे डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि आपके कौन से टास्क होंगे, ऑब्वियसली हाउस वाइफ के अलग होंगे, स्टूडेंट के अलग होंगे, बिजनेसमैन के टास्क अलग होंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट करते हैं और जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं वो थोड़ा सा उनका सक्सेस रेशो कम हुआ है, ये चीज जो सर्टिफाइड साइंटिस्ट होते हैं ना उन्होंने भी निकाल करके रिसर्च में दी है कि टाइम मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट ज्यादातर सक्सेसफुल रेट उनका ज्यादा होता है, उनका रेशियो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन टाइम मैनेजमेंट पर्सन, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, होपफुली आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा ईमेल आईडी है ami.inspiration8@gmail.com, मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग।